नमस्कार, न्यूज पे देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ शुभम त्रिपाठी। बड़ी खबर आपको बता दें, प्रयागराज से सजा के बाद अतीक कोर्ट रूम के अंदर मौजूद। कोर्ट रूम के बाहर सैकड़ों वकीलों की नारेबाजी जारी है, तो भारी संख्या में पुलिस कोर्ट रूम के बाहर मौजूद है। वकीलों की नाराजगी की वजह से पुलिस ने अतीक को कोर्ट रूम में रोका है। वकीलों के डर से अतीक भी कोर्ट से निकलने को तैयार नहीं है। भारी संख्या में पुलिस कोर्ट रूम के बाहर मौजूद है, आपको बता दें, और वकीलों की नाराजगी की वजह से कोर्ट रूम से अतीक नहीं निकला है। मानवेंद्र हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं। मानवेंद्र, आपके पास आएंगे, कोर्ट रूम के बाहर सैकड़ों वकीलों की नारेबाजी जारी है, क्या अपडेट है? जी बिल्कुल, नारेबाजी जारी है और बाहर से वकील बहुत गुस्से में है। कोर्ट रूम जो है, स्पेशल एमपीएमएलए कोर्ट जो है, उसके सामने सैकड़ों वकील डटे हुए, लगातार गालियां दी जा रही है, नारेबाजी की जा रही है। और चूंकि उमेश पाल एक अधिवक्ता थे, इसलिए वकीलों में ज्यादा नाराजगी है और इसी डर से अतीक बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं है। जबकि सजा का ऐलान पक्का हो चुका है, ऑर्डर कॉपी निकल चुकी है, तमाम वकील यहां से जा चुके हैं, लेकिन वकीलों के गुस्से को देखते हुए अतीक अहमद कोर्ट रूम से निकलने को तैयार नहीं है। हालांकि भारी फोर्स मौजूद है, लेकिन जिस तरह से वकीलों का गुस्सा है, उसके बाद इंतजार ये हो रहा है कि जब ये वकील यहां से चले जाएंगे, तब अतीक अहमद को कोर्ट रूम से बाहर निकाला जाएगा। कितने लोग वहां पर मौजूद हैं? सुरक्षा व्यवस्था की क्या स्थिति है इस वक्त मानवेंद्र, जिस तरीके से? सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो सैकड़ों की संख्या में पुलिस कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई थी। कोर्ट रूम के सामने भी कई दर्जन पुलिस सशस्त्र पुलिस वाले मौजूद हैं। बावजूद इसके जिस तरह से नारेबाजियां हो रही हैं, इसके चलते पुलिस भी अवॉइड कर रही है अतीक अहमद को बाहर निकालने से, क्योंकि पुलिस को लगता है कि अगर अतीक अहमद को बाहर निकालेंगे तो वकीलों को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। और पुलिस इंतजार कर रही है कि वकील यहां से हटे, उसके बाद अतीक अहमद को यहां से वापस भेजा जाए। मनविंद्र, क्या साबरमती जेल वापस ले जाया जाएगा अतीक? देखिए, इस मामले में कोर्ट का जो फैसला है, उसके हिसाब से आगे की कार्रवाई होगी। कोर्ट अभी इस मामले पर अपना जो कस्टडी है उसको लेकर के कोई जजमेंट देगा कि आप अतीक अहमद को वापस साबरमती जेल लेके जाना है यहाँ से, या फिर नैनी जेल आदि रखना है। हो सकता है आज की रात पुलिस नैनी जेल ही रखे और उसके बाद जो आगे का ऑर्डर हो उसके हिसाब से अतीक अहमद का जेल ट्रांसफर किया जाए। बिल्कुल, तो जिस तरीके से हम देखें अभी मानवेंद्र, जो उमेश पाल का परिवार था वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से संतुष्ट नजर नहीं आया इस आदेश से। बिल्कुल, जो उमेश पाल के परिवार के लोग हैं वो पूरी तरह फांसी की सजा की मांग करते रहे हैं कि फांसी होनी चाहिए इस मामले में, जो भी दोषी हैं उनको फांसी होनी चाहिए। लेकिन उनको ये समझना होगा कि जो जजमेंट आया है उमेश पाल के अपहरण के मामले में आया है, उमेश पाल की हत्या के मामले में अभी नहीं आया। जो उनका गुस्सा है वो हत्या को लेकर के है, और जब हत्या का केस तय होगा कोर्ट से, उसके बाद ही हत्या का जिस तरह से तीन लोगों की हत्या की गई, उसके बाद वो लोग उम्मीद कर सकते हैं कि उसमें कोई और बड़ा आदेश आ सकता है। बिल्कुल, तो सैकड़ों की संख्या में वहां पर वकील मौजूद है और अतीक को बाहर निकालना मुश्किल हुआ है। भारी संख्या में पुलिस कोर्ट रूम के बाहर है। वकीलों की नाराजगी की वजह से पुलिस ने अतीक को कोर्ट रूम में रोका है, तो वकीलों के डर से अतीक भी कोर्ट से निकलने को तैयार नहीं है। तो सजा के बाद अतीक कोर्ट रूम के अंदर मौजूद है और कोर्ट रूम के बाहर सैकड़ों वकीलों की नारेबाजी जारी है। मानवेंद्र, अशरफ की क्या स्थिति है? क्या वो जा चुका है कोर्ट रूम से? जी, अशरफ को कोर्ट रूम से निकाल लिया गया है, शायद प्रिजन वैन में बैठा दिया गया हो, लेकिन अतीक अभी तक कोर्ट रूम के अंदर ही मौजूद है। तो कह सकते हैं कि थोड़ा और इंतजार करना होगा, जब सबको यहाँ से पुलिस लेके जाएगी और उसके बाद उनको वापस जेल शिफ्ट किया जाएगा। बिल्कुल, तो कोर्ट रूम के बाहर सैकड़ों वकीलों की नारेबाजी जारी है। मानवेंद्र हमारे सहयोगी तमाम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं और अतीक को बाहर निकालना मुश्किल हो रहा है कोर्ट के बाहर। भारी पुलिस फोर्स तैनात है। वकीलों की नाराजगी की वजह से पुलिस ने अतीक को कोर्ट रूम में रोका हुआ है, तो वकीलों के डर से अतीक भी कोर्ट से निकलने को तैयार नहीं है। सैकड़ों की संख्या में वकील वहां पर मौजूद है और नारेबाजी कर रहे हैं। अतीक को फांसी दो की मांग भी वहां पर की जा रही है। तो अतीक अहमद समेत तीन लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई, जिसके बाद से लगातार जो वकील हैं उनमें आक्रोश है और वो नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं।
तो अतीक अहमद सहित तीन को उम्र कैद की सजा, तीनों दोषियों को उम्र कैद की सजा। उमेश पाल अपहरण केस में अतीक को उम्र कैद, तो अतीक और करीबी वकील हनीफ दिनेश पासी को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। तो उमेश पाल अपहरण केस में अतीक को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। आपको बता दें अतीक, वकील हनीफ और दिनेश पासी को उम्र कैद की सजा सुनाई गई।